हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरा ये नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पावर टूल्स मशीन में जितने भी रनिंग आइटम है, मॉडल है, उसमें कौन सा आदमी चलता है, क्या मॉडल है और वो यहाँ पे आपके सामने है। पिछले वीडियो में मैं बताया था पावर टूल्स मशीन में जितने भी आदमी लगता है वो उसका प्राइस भी बताया था। अगर आपको वो प्राइस का वाला वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और इस वीडियो में बताऊँगा कैसा दिखता है वो और क्या क्या डिफरेंस है दूसरे मॉडल में, तो इस वीडियो में बताऊंगा। तो उस वीडियो में मैं आपको ओनली फोटो दिखाया था, इस वीडियो में पूरा रियल मेजर दिखाऊंगा अभी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए फ्यूचर में इस टाइप का पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला ग्राइंडर मशीन का आर्मेचर ये है GWS 600, जो बोस का मॉडल है। तो ये पिछले कुछ सालों से पहले ये GWS 600 में उसका मॉडल नंबर भी था, अभी ये उसको चेंज करके GWS 600 कर दिया गया है। ये देखिए, ये आर्मेचर ऐसा दिखता है आपको, फैन इस टाइप का प्लास्टिक का फैन आएगा और ये फिनिशिंग बहुत अच्छा है। अगर आपको ख़रीदना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर जाकर मेरे ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यह है GWS 600 का आर्मेचर। अगर आपको प्राइस चाहिए, प्राइस के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देखिए। तो ये था एक GWS 600 का आर्मेचर। उसके बाद दोस्तों ये है DW801, ये भी फ्लाईमैक्स का है और ये डीवॉल का मॉडल का एक ग्राइंडर है, वो ये भी बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है। तो ये भी उसका बहुत ये मशीन बहुत पावरफुल है और ये आर्मेचर भी बहुत अच्छा है। अगर आपको खरीदना है कॉन्टेक्ट कीजिए जल्दी। तो ये देखिए, ये फैन भी प्लास्टिक का था, इस टाइप का दिखता है ये फैन। तो दोस्तों, अगर आप नया आए हो मार्केट में पावर टूल्स के, तो आपको सबसे पहले आर्मेचर पहचानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे ना, उसका फैन। तो ये जो फैन है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फैन से मैक्सिमम बंदे ने फैन से ही पहचानते हैं वो किस मॉडल का है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हो, अगर हम यहाँ पे फैन भी निकाल लेंगे तो हम यहाँ से उसके हिसाब से भी पहचान सकते हैं। लेकिन हम आप अगर आप नया मार्केट में आए हो मतलब पावर टूल्स में, तो आप सबसे पहले फैन को पहचानिए वो फैन कैसा रहता है। तो ये देखिए, DW801 का फैन ऐसा है। तो ये आर्मेचर है। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये है आपका बोस कंपनी का ओरिजिनल है ये GWS 750-100। दोस्तों ये है GWS 750-100 का आर्मेचर, ये ओरिजिनल है। अगर आपको खरीदना है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये है और इसका ये फैन देखिए, इस टाइप का रहता है और ये एक पुराना आर्मेचर है, तो आपको दिखाने के लिए इसको खोल लिया। और ये जो मॉडल नंबर, ये जो नंबर दिया गया है, ये भी या उसका कुछ भी नहीं है, ये बस वो कंपनी का नंबर है, तो उसमें कोई भी मॉडल नंबर नहीं दिया गया है। तो ये है GWS 750-100 का आर्मेचर। नेक्स्ट दोस्तों, ये है हिटाची का G10SS आर्मेचर, यह 4 इंच ग्राइंडर का आर्मेचर है हिटाची का और ये लोकल में मिल जाता है, ओरिजिनल में मिलता है, थोड़ा महंगा पड़ता है और ये बहुत अच्छा क्वालिटी का। ये देखिए, इसका फैन इस टाइप का रहता है, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, ये है इसका, ये पुराना मॉडल है, ये नया मॉडल है G10SS2। ये G10SS और ये G10SS2 दोस्तों, ये G10SS2 शायद यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों G10SS2। तो ये है उसका भी फैन देखिए, इससे थोड़ा डिफरेंस है फैन, बस ये सब कुछ सही है, बहुत सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसमें फैन का थोड़ा फैन अलग है। देखिए, ये इसका फैन थोड़ा गोल है, ये थोड़ा चैप्टर टाइप का किया गया है और यहाँ पे
ये सब कुछ सही है, लेकिन आप उसको GTNSS 2 में डालिए और GTNSS में इसको डालिए। तो ये देखिए GTNSS, ये GTNSS है, ये GTNSS 2 है, तब देख सकते हो इसमें फैन का डिफरेंस है और कुछ नहीं। ये देखिए ये GTNSS GTNSS 2। देखिए दोस्तों ये है स्किल्स कंपनी का 9620 का आर्मेचर, जो 4 इंच के एंगल ग्राइंडर है। 9620 शायद आपको पता होगा, बहुत पुराना मॉडल है, बहुत हैवी मशीन है। अगर आपके पास है तो बहुत कम ख़राब होता होगा। कि यहाँ पर शायद लिखा है 9620 यहाँ पर लिखा है, देखिए। तो ये भी अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट कीजिए ज़रूर। और पावर टूल्स की कोई भी पार्ट्स पेयर चाहिए तो कॉन्टैक्ट कीजिए। और कुछ लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके अमेजन से भी परचेज कर सकते हो। यह है 9620 का आर्मेचर। और दोस्तों यह है 5 kg ब्रेकर मशीन का आर्मेचर, इस टाइप का दिखता है। और यह उसका फैन है। और यह है आपका 0810 का आर्मेचर, या फिर 5 kg ब्रेकर मशीन बोलते हैं, 801 बोलते हैं। तो यह है 0810 का आर्मेचर, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है, ये डंचिंग का है। तो अगर आपको ख़रीदना है, यहाँ पर शायद लिखा होगा डंचिंग, यहाँ पर देखिए DCA लिखा है 0810 का ये आर्मेचर है। तो ये बहुत हैवी है, अगर आपको ख़रीदना है तो कॉन्टैक्ट कीजिए। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नहीं दोस्तों ये है GHO 6500 बोस का प्लानर मशीन का आर्मेचर। ये शायद अभी 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ है, मुझे ठीक से पता नहीं ये कब लॉन्च हुआ है, लेकिन ये नया मॉडल है उसका, बोस कंपनी का GHO 6500 का आर्मेचर यह है। और उससे भी थोड़ा हैवी है, थोड़ा नहीं बहुत हैवी है, GHO 10-82 यह है उसका, थोड़ा नीचे वाला थोड़ा सस्ता ही मिल जाता है। ये उसका आर्मेचर यह है, इस टाइप का दिखता है। और वो 10-82 का थोड़ा बड़ा रहेगा और उसमें फैन ब्लैक कलर का रहेगा, लेकिन ये वाइट है और इसमें इसका भी वो डिफरेंस रहेगा। यह है उसका आर्मेचर GHO 6500 का, ये आर्मेचर है बोस कंपनी का प्लानर मशीन का। देखिए आप सही से, और यहाँ पे ये बेरिंग लगता है, देखिए 608 का बेरिंग लगता है। और आपको बेरिंग के बारे में पता नहीं है किस मशीन में कौन सा बेरिंग लगता है, तो कमेंट कीजिए उसके ऊपर, जल्दी वीडियो आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट करोगे तो उसको ट्राई करूँगा बहुत जल्दी लाने के लिए। यह है बोस कंपनी का GHO 6500 का आर्मेचर। ये दोस्तों यह है आपका मार्बल गटर, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चलने वाला है, CM4SA। तो यह है CM4SA का आर्मेचर, जो मार्बल गटर 4 इंच का है। तो फ्रेंड उसका फैन ऐसा रहता है लोहा का, और आपको ये फैन इस टाइप का दिख जाएगा, यहाँ पे एक घाटी रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे पिनियन लगता है। ये दोस्तों इसका ये गोल बॉडी है CM4SA का, लेकिन ये CM4S भी है, आपको यहाँ फोटो देख रहा होगा CM4SB का या CM4S का SA का फोटो है। तो यह है CM4SB का आर्मेचर, जैसे कि आप देख रहे हो ये प्लास्टिक फैन रहता है, और इसका भी घाटी सेम यहाँ पे SA भी रहता है, इस टाइप का रहता है, लेकिन ये जो घाटी थोड़ा बड़ा रहता है, देखिए थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा है ये घाटी। चलिए जो साफ्ट रहता है थोड़ा बड़ा रहता है उससे, क्योंकि उसका ओपिनियन CM4SB का CM4SA से थोड़ा बड़ा है, तो इसका फैन इस टाइप का आएगा। और अगर आपको जितने भी आर्मेचर का प्राइस जानना है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको बोला था आपको ऊपर में आई बटन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो का एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा आपको। ये दोस्तों CM5 5 इंच का मार्बल गटर का आर्मेचर है, यहाँ पर शायद लिखा हुआ नहीं लिखा है, लेकिन ये CM5 ओल्ड का आर्मेचर है। इसका फैन एस टाइप का दिखता है, ये थोड़ा बड़ा रहता है इससे, देखिए इसे थोड़ा बड़ा रहता है, ऐसे भी माप सकते हो हम, देखिए यह CM5 का आर्मेचर इस टाइप का दिखता है, और ये घाटी वाला रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों की लॉक लगता है CM5 का आर्मेचर।
ये दोस्तों हमारा 23-10 मार्केट में जो सबसे सस्ता डील मिल जाए ना, तो इसका आर्मेचर है 23-10। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मशीन, यह 23-10 का आर्मेचर बहुत छोटा सा है, लेकिन ये बहुत सस्ता भी है। अगर आपको ख़रीदना है तो कॉन्टेक्ट कीजिए। इस टाइप का दिखता है ये फैन उसका, और यहाँ पे थोड़ा घाटी रहता है, देखिए इतना, तो उसका पिनियन का घाटी 2, 4, 6 पिनियन वाला ये आर्मेचर है, ये 23-10 का आर्मेचर है। देख दोस्तों, ये है ड्यू 10 का आर्मेचर, वो भी ये भी 10 mm का, लेकिन ये बहुत हैवी होता है इसमें मशीन का। ड्यू 10 आपको दिख रहा होगा, तो ये है ड्यू 10 का आर्मेचर। उसका फैन इस टाइप का दिखता है, और आर्मेचर आपको आपके सामने, दोस्तों ये है 39 RE का आर्मेचर, 39 mm ड्रिल मशीन का आर्मेचर। इसका भी घाटी रहता है, 4 घाटी वाला पिनियन, और उसका फैन ये रहता है इस टाइप का, ये थोड़ा बड़ा रहता है 23-10 से। और इसका आर्मेचर आप देख सकते हो, ये है दोस्तों 23-10 का आर्मेचर। नहीं दोस्तों, ये है 1900V जो आर्मेचर है प्लानर मशीन का, वुड प्लानर मशीन का आर्मेचर ये 1900V का। ये थोड़ा मोटा आता है 25-10 F20 के से, ये थोड़ा मोटा आता है 25-10 F20 के, थोड़ा नहीं बहुत पतला रहता है, लेकिन ये मोटा रहता है। देखिए उसका साफ देखिए यहाँ पे, और ये देखिए ये थोड़ा मोटा रहता है। तो ये है 1900V का आर्मेचर, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, कहाँ गया, N1900V यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे ये PD100 का आर्मेचर है, तो ये थोड़ा बड़ा रहता है F20 25-10, मतलब ये सेम, मतलब आप F20 25-10 वगैरह पकड़ लोगे तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये चूड़ी सीधा चूड़ी रहता है, 1900 F20 1900 भी बहुत उल्टा चूड़ी रहता है, लेकिन ये हमारा एंगल ग्राइंडर का है PD100, तो इसलिए चूड़ी सीधा चूड़ी रहता है। और ये आपका एंगल ग्राइंडर का जो लोहा बड़ी रहता है कास्ट आयरन का, वो उसका आर्मेचर है ये दोस्तों, PD100 का आर्मेचर। नेक्स्ट दोस्तों, ये है 20 mm 2-20 mm का आर्मेचर फ्लाई मैक्स है। अगर आपको खरीदना है कंटेक्ट कीजिए। 20 mm हमारी डील जो हमारी करता है, हम कोई दीवार वगैरह में होल करने के लिए, कंक्रीट वगैरह में होल करने के लिए जिस मशीन को यूज करते हैं, ये 20 mm का आर्मेचर है। 26 है अभी मेरे पास, ये बहुत हो गया है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको 26 प्लस जितने भी बाकी रह गया उसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए 20 mm का इस टाइप का दिखता है, यहाँ पे घाटी रहता है 4। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, तो चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने भी बाकी रह गया तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और जितने भी जैसे कि 2-26 का आर्मेचर बाकी रह गया, और 11 kg 16 kg PA65 और बहुत बहुत मशीन का बाकी रह गया, लेकिन ये वीडियो में इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बाकी रह गया उसके बारे में बताऊंगा। तो चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इसको खरीदना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। पावर टूल्स में जितने भी जो भी स्पेयर पार्ट्स खरीदना है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके होम पर डिलीवरी हो जाएगा। तो थैंक यू।